आज हम बनाएंगे महाराष्ट्रियन क्यूजीन से बिलोंग करने वाली मिसल। बेसिकली ये एक स्पाइसी फ्लेवरफुल करी है जिसको हम थोड़ा सा नींबू का रस डाल के और फरसान डाल के कंज्यूम करते हैं पाव के साथ। आप इसे चपाती या फिर राइस के साथ भी कंज्यूम कर सकते हो, लेकिन महाराष्ट्र में इसे पाव के साथ ही खाया जाता है। बहुत टेस्टी तो बनती है ही, प्लस इसको बहुत बेसिक इन्ग्रीडियंट्स लगते हैं और इसे बहुत जल्दी बनाया जा सकता है। मैक्सिमम आपको 10 से 15 मिनट लगेंगे, तो जरूर ट्राई कीजिए। 5 से 6 बड़े चम्मच तेल डाला है। थोड़ा ज्यादा ही ऑयल डालते हैं हम इसमें, क्योंकि हमें इसके ऊपर तरी चाहिए रहती है। तरी मतलब एक स्पाइस और ऑयल का जो लेयर रहता है वो करी के ऊपर फ्लोट करता है, जो कि काफी फ्लेवरफुल रहता है। आप कम भी तेल डाल सकते हो। अब हम डालेंगे इसमें एक बड़ा कटा हुआ प्याज और फिर हम इसे अच्छे से भून लेंगे और बाद में हम डालेंगे 2 बड़े टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब हमें इसे अच्छे से ऑयल में कुक कर लेना है। अब इसमें डालेंगे 2 से 3 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और इसे अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें जाएगा 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। अब जाएगा उसमें वो स्पाइस देने वाला एक एक्स्ट्रा एलिमेंट, 2 से 3 तीखी वाली हरी मिर्चियां। अगर आपको इतना स्पाइस सूट नहीं करता तो आप ये स्किप कर सकते हैं। ऑलमोस्ट सभी महाराष्ट्रियन रेसिपीज में जाने वाला 2 चम्मच कांदा लहसुन मसाला। मिसल को थिकनेस देने के लिए मैंने इसमें 2 टेबलस्पून बेसन डाला है, ऑल्दो मैं बाद में इसमें टोमेटो प्यूरी भी डालने वाली हूँ, पर इसको एक एक्स्ट्रा थोड़ा थिकनेस देने के लिए ये मोस्टली यूज किया जाता है। 2 से 3 बारीक कटे हुए टमाटर डाल सकते हो आप, या फिर मैंने यहाँ पे प्यूरी यूज की है क्योंकि उसको एक अच्छा टेक्स्चर आता है रस्सा जैसा। बहुत अच्छे से हमें इन स्पाइसेस के साथ इसे मिक्स करना है और इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे हमें कुक करना है, तब तक जब तक इसमें से थोड़ा सा तेल हमें ऊज आउट होते हुए ना दिखे। नेक्स्ट मैंने इसमें डाला है कश्मीरी रेड चिली पाउडर। कलर पर्पजेस के लिए आप इसे टोटली स्किप भी कर सकते हो। आपका जो कोई भी फेवरेट ग्रेन हो, चाहे वो मटर हो या फिर वाल हो या फिर मिक्स्ड ग्रेन्स, आप उनको ओवरनाइट सोक करके रखिए। नेक्स्ट डे आपको चाहिए तो उसको स्प्राउट्स निकाल लीजिए, कुक कर लीजिए और इसमें डालिए। मैंने यहाँ पे ग्रीन पीस डाले हैं क्योंकि वो मुझे ज्यादा पसंद है और एक क्विक ऑप्शन रहता है, इसलिए यही मैंने यूज किए हैं। अगर आप स्प्राउटेड ग्रेन्स को यूज करेंगे तो वो एक काफी हेल्दी ऑप्शन हो जाएगा। अब डालेंगे हम इसमें थोड़ा सा पानी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 5 मिनट्स के लिए लिड डालकर इसे कुक कर लेंगे। फिर आपको ये जो लिक्विडी कंसिस्टेंसी दिख रही है, हमने जो बेसन डाला है उसके वजह से या फिर जो टोमेटो का प्यूरी डाला है उसके वजह से ये थिक हो जाएगा। चाहे तो आप इसे तड़का देते समय थोड़ा सा हींग, राई और करी पत्ता भी डालें। 4 से 5 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि इसको काफी अच्छे से बॉईल आया है। साइड में आपको तरी भी दिख रही होगी। अगर आप इसमें ज्यादा ऑयल डालेंगे तो तरी भी ज्यादा दिखेगी, लेकिन इस चीज को अवॉइड कीजिए। नेक्स्ट हम इसमें डालेंगे नमक और धनिया। बस रेडी है हमारी ये टेस्टी रेसिपी, जो कि बहुत बेसिक इन्ग्रीडियंट से बनी हुई है। इसे बनाने के लिए हार्डली 10 से 15 मिनट लगेंगे और इसका टेस्ट भी काफी अच्छा है, तो जरूर ट्राई कीजिए। फरसान के साथ में आप इसमें सिंग भाजी और मकई का चूड़ा भी डाल सकते हैं, इसकी वजह से इसको और भी अच्छा टेस्ट आएगा। और हाँ, नींबू का रस मत डालना भूलिए, क्योंकि स्पाइसी और थोड़ा सा लेमन का ट्विस्ट काफी टेस्टी लगेगा आपको। और एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी, करंट सिचुएशन में आप अगर पाव ले तो कहीं अच्छे बेकरी से ही ले और इसको घर पे आके कुकर या फिर ओवन में गर्म करें और फिर ही कंज्यूम करें। तो अगर आपको इस झणझणी मिसल वाली रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को हिट करना ना भूलिए।